दोस्तों यहाँ पर छही पूजी जा रही है। ये बड़का पेड़ है और बड़के पेड़ के नीचे छही पूजी जाती है और यहाँ से फिर छही काट कर ले जाएंगे और उन डंडों से मड़ा बनेगा, आगे आपको दिखाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी परंपरा छही पूजने की। हमारे बच्चे हैं सब्सक्राइबर, नन्हे मुन्ने वीडियो देखते हैं। तो अंकल जी नाम क्या रहा आपका? राम सिंह। राम सिंह जी, तो ये जो पूजा पाठ की है क्या है ये? सर ऐसा है भाई साहब, जो हमारी पूजा पाठ हो रही है तो हम अपनी छही को पूजने के लिए आए हैं। अच्छा, तो छही पूजने आए हैं तो हम बड़ देवता से प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे जो घर में कार्य हो रहा है, जो कार्य अच्छे से अपने आँखों के जो पितरों को आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों को आशीर्वाद है, जैसे बर की छाया ऐसे हमने आशीर्वाद बना कर रखा है। बक्सा समाज में छही कई प्रकार की होती है। कहीं पर बांस के डंडे काटे जाते हैं, कहीं पर सेमल का पेड़ काटा जाता है और कहीं पर अन्य पेड़ों के डंडे काटे जाते हैं और उसे काटकर घर ले जाते हैं और इसी पर मड़ा बनता है जिस पर फेरे पड़ते हैं। और देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत, प्यारी, अद्भुत और अनोखी परंपरा है बक्सा समाज की। इस परंपरा को कहते हैं दोस्तों हंसी उतारना। यहाँ पर भाभी और दुल्हन कन्या सिर में एक कपड़ा ढक लेती हैं और अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती हैं और यहाँ पर ये हंसी उतारने की परंपरा है जिस पर ये घर के आगे बैठकर रास्ते में कुर्रा पूछते हैं, एक कुर्रा पूछकर हंसी उतारते हैं। देखिए किस तरह से ये पूजा हो रही है और अब हंसी उतार कर अंदर जाते हुए दोस्तों ये है पितृ पूजने की परंपरा। दोस्तों पितृ का अर्थ है जो पूर्वज होते हैं, जिसके घर विवाह शादी का प्रोग्राम होता है, तो जो पूर्वज होते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सबको याद करके उन सबका नाम लेकर यहाँ पर महिलाओं द्वारा पितृ के गाने गाकर पूजा की जाती है। देखिए इस तरह से होती है पितरों की पूजा अर्चना। चाय नाश्ता, चाय नहीं यार, ठंडा नाश्ता सॉफ्ट ड्रिंक के साथ फुल एंजॉय।
सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।